यशोदा मैया की उपाधि देगी, बस सरकार हम लोग साथ छलावा करती है। विधानसभा चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा क्या? अभी नहीं तय कर पाते हैं कि आंगनवाड़ी श्रमिक की श्रेणी में आती है या मजदूर की श्रेणी में आती है या राज्य की कर्मचारी है या मानदेय की है। हमारा परिवार वोट नहीं देगा। वोटे नहीं देगा? नहीं नहीं, मानदेय मिल रहा है। लोकसभा चुनाव है, क्या वोट करेंगे मोदी को? नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। आप चलते हैं अपडेट पर। कर रहे हैं तो मुझे एक मुश्त फंड चाहिए, पेंशन चाहिए। जब मेरे आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो मेरा जीविकोपार्जन कौन करेगा? आप विधवा पेंशन देते हैं, विकलांग पेंशन देते हैं, लेकिन जब जो आदमी 30 साल 35 साल सेवा किया, सेवानिवृत्ति उपरांत उसको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। इस पेंशन के मांग करने के लिए हम आए थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर। और क्या मांग करने आए थे? सरकार मुझे PLI देती है 1500 रुपया पोषण टैकर पर काम करने पर। सरकार से हम कहना चाहते हैं उनका जो पोषण टैकर है काम नहीं करता है। इस समय हम लोग वाराणसी में थे और वाराणसी के कार्यालय जिलाधिकारी के बाहर हम लोग पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कल्याण एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं, उसको लेकर के आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ती हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। चले आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या इनकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं, क्या मांगों को लेकर के आप लोग इतना यहाँ पर इकट्ठा हुई है। मांग हमारी यही है, पहले परिचय बता दें। मैं सैल सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, काशी विद्यापीठ ब्लॉक अध्यक्ष जी। और हम लोग यही मांगे कि सरकार हर बार हम लोग जब चुनावी माहौल आता है तो कहेगी कि इनका मानदेय बढ़ाएंगे, वेतन बढ़ाएंगे, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे और कभी यशोदा मैया की उपाधि देगी, बस सरकार हम लोग साथ छलावा करती है। इस तरह से कह करके जब चुनाव बीत जाता है तो सारा काम खत्म हो जाता है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग मांग यही है कि या तो हम लोग को शासकीय कर्मचारी बनाए।